और बीच बीच में रुक रुक के चलता था। ये देखो ये लोग कहने यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आज अपना टाइगर अपनी आरएस वापस आ चुका है। ये काफ़ी टाइम से गराज में था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उम्मीद करते हैं वो सब सही हो चुका होगा। काफ़ी टाइम से इसे चलाया नहीं है, इसे भगाया नहीं है, तो आज पूरे आनंद के साथ इसे चलाएंगे, भगाएंगे, देखेंगे कि सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं। तो फ्यूलिंग हमने पहले ही करवा लिया है, तो फ्यूलिंग की कोई टेंशन तो है नहीं। तो सीधा चलते हैं और बात करें मॉडिफिकेशंस की, तो थोड़ा बहुत इसमें हो रखा है मॉडिफिकेशंस, और एक स्पेशल चीज़ लगी इसमें, वो भी दिखाएंगे आपको। फिर कहीं पे रुकेंगे, सब कुछ बताएंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या ठीक हुआ है, और मॉडिफिकेशन क्या क्या हो रखा है। और पीछे बैठा है अपना भाई सौरभ, जो कि इस आरएस की ओनर है। तो चलते हैं कहीं और आपको पूरा का पूरा बाइक दिखाते हैं कि कैसा है ओवरऑल, और फिर बात करते हैं। हम लोगों को जाना है लेफ्ट। तो बात करें कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो ये इनिशियल में बिल्कुल लो था, बिल्कुल डाउन था, पावर ये बिल्कुल जनरेट नहीं कर पा रहा था, और बीच बीच में रुक रुक के चलता था, ये जैसे लैग हो रहा था। तो उम्मीद करते हैं वो सब अब सही हो गया होगा। और गियर शिफ्टिंग में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स थी इसमें, बहुत हार्ड हो गया था ये, तो वो प्रॉब्लम्स तो अभी ठीक लग रहा है मुझे। फिर जब किसी खाली रोड पे चलेंगे, इसे भगाएंगे, फिर पता चलेगा कि ठीक हुआ है कि नहीं। बाय द वे, ये अभी बहुत दिन के बाद चला रहा हूँ, तो जो फील आ रहा है, जो वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा। और ऊपर से जो आपको पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत इसकी जो आवाज़, यही तो टाइगर की खासियत है। टाइगर जहाँ से चलता है भाई, वो दहाड़ते हुए चलो। अभी थोड़ा सा भगाने की कोशिश करते हैं। पावर तो ठीक लग रहा है मुझे। जो लोग आरएस चलाते हैं, जो आरएस पसंद करते हैं, जो लोग आरएस के दीवाने होते हैं, वो लोग जानते हैं कि आरएस क्या है। और अगर इसमें लगा है वो स्पेशल चीज़, तो वो और भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है भाई। तो अभी यहीं पे रुकेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा का पूरा बाइक और वो स्पेशल चीज़ भी। तो बात करें मॉडिफिकेशंस की, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले ये विंडशील्ड लगा है आफ्टर मार्केट, इसकी कॉस्टिंग अराउंड भाई को 450 के आसपास पड़ा है। बाय द वे, ये काम बहुत आता है, विंड ब्लास्ट आपको कम महसूस होता है। फिर आता है विंगलेट, एक्चुअली ये R15 का और RS 200 में भी ये जचता है, तो इसीलिए भाई ने लगा लिया है। और हैजल लैंप आप देख सकते हैं, इसमें 18 मोड मिलते हैं। इसकी कॉस्टिंग तो मुझे नहीं पता, भाई को भी नहीं पता। और ये रिंग लाइट आपको दिख रहा होगा, इसे जला कर दिखाते हैं आपको। रेड कलर में है ये, और ऐसा आता है इसका लुक। इसकी कॉस्टिंग अराउंड 600 to 800 होगा। और साइड में आते हैं तो साइड में आपको ये लीवर स्क्रैच गार्ड मिलता है, ये बड़ी कम की चीज़ है, क्योंकि अगर बाइक गिर भी जाता है तो ये प्रोटेक्ट करता है लीवर गार्ड को, एक्चुअली लीवर को, सॉरी। और फाइनली आता है एक्राफोबिक का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। ये फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी कुछ भी नहीं, ये है कुछ, पर ये तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता है, इसका आवाज़ भी तगड़ा आता है इसका। इसकी कॉस्टिंग अराउंड 2.5 to 3,000 मिलेगा आपको। फुल सिस्टम नहीं है ये, बीच में से काट के लगाया गया है। तो बस यही सब है मॉडिफिकेशंस इस बाइक में, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें दिखाने के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं, कहीं पे रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से और सीधा चलेंगे जहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं, जहाँ पे बैठते हैं दोस्त लोग मिल के, वहीं पर चाय वाय पियेंगे। और
एक स्पेशल वीडियो आपने जो एक्रापोविक का एग्जॉस्ट देखा है इसमें उसका एक रिएक्शन वीडियो जल्दी आने वाला है अपने चैनल में, तो चैनल में बने रहिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और इस चैनल में आपको बहुत कुछ मज़ेदार मिलने वाला है, तो चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।